हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। घर बनाते समय हमेशा थंब रोल पकड़ के चलना है। बहुत भारी भरकम जो है किताबी नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आपको भी अपना माइंड चलाना पड़ता है। पैसा आपका ही खर्चा होता है। हम तो अपने वीडियो में आसान भाषा में बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते ही है। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। वीडियो पूरा देखोगे तब भी आपके समझ में आएगा, क्योंकि घर जो है एक ही बार बनता है दोस्तों, एक ही बार पैसा खर्चा करना पड़ता है, बार बार घर नहीं बनता है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, छत में एक्स्ट्रा बार की मजबूती के बारे में है। तो चलिए अब हम साइट पर ही जा रहे हैं, वही सब कुछ आपको बताएंगे। ये छत हमारा बांध के तैयार हो गया है। अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कैसे हमने इसमें एक्स्ट्रा बार कौन से हिसाब से कटिंग करके डाले है। इसमें और हमारा थोड़ा काम भी बाकी है, अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 5-5 इंच पे इसका सेंटर है, कवरिंग लगाने का बाकी है और हुक डालने का बाकी है। इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बार। इसका मजबूती क्या होता है दोस्तों, ये हम बताने वाले हैं आज के वीडियो में। छत में एक्स्ट्रा बार कैसे प्रोवाइड करना है, कहाँ पर करना है और उसका क्या मजबूती होती है, क्या रीजन उसका होता है, कौन से हिसाब से उसे प्रोवाइड करना है छत में, तो चलिए हम इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। आपको जो ये दिख रहा है दोस्तों, हमारे क्रैंक उठाए हैं हमने 45 डिग्री पे, इसे क्रैंक उठाया है अल्टरनेट। ये जो सरिया गया है उधर बॉटम में गया है, जो उधर से टॉप का सरिया आया है वो इस बीम पे बॉटम में गया है। ये देखिए, ये बॉटम में गया है और इधर जो टॉप में जिसे क्रैंक लगाया हुआ है वो उधर दूसरी साइड में बीम के नीचे गया है। सबसे पहले दोस्तों, ये बीम से वो बीम की दूरी कितनी है, लेंथ कितनी है, ये देखना है और आपको नापना है। हमारी यहाँ पर ये बीम से वो बीम का दूरी है 8 फीट, तो इसका L/4 निकालना पड़ेगा। L/4 जो भी आता है, सभी जगह पे एक ही माप नहीं आता है दोस्तों। कहीं पे बीम से बीम की दूरी आती है 10 फीट, 12 फीट, 11 फीट, जो भी आता है उसका 4 हिस्सा करना पड़ता है। ये L/4 इसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 फीट पे ये L/4 भाग आया है, तो इधर भी ये देखिए, अभी ये दोनों के बीच में जो नाप बचेगा वही नाप से टुकड़ा कटिंग करके सरिया का यहाँ पर प्रोवाइड करना है, दोनों क्रैंक के बीच में। ये देखिए, इससे ये माप रहा हूँ मैं, माप आया है दोस्तों 4 फीट 8 इंच, दोनों साइड से 2-2 फीट और बीच में बीम। अभी 4 फीट 8 इंच का ये टुकड़ा यहाँ पर हर एक क्रैंक के बाजू में हम उसे प्रोवाइड करेंगे। आगे हम वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये बार क्यों दिए जाते हैं छत में। ये बार जो है शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए छत में प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। और इसकी खासियत ये है कि सभी बीमों के ऊपर ही इसे प्रोवाइड किया जाता है। जो पहला मेन बार होता है, वो डिस्टीब्यूशन बार होता है, उसी के ऊपर इसे लगाना पड़ता है। मान लो कि ए बीम से ओ बीम की दूरी इस साइड में कम है और दूसरी साइड में बीम से बीम की दूरी ज़्यादा है, तो जिस साइड में बीम से बीम की दूरी ज़्यादा है उस साइड का थोड़ा लंबा कटिंग करना पड़ता है सरिया, और जिस साइड में कम है उस साइड का छोटा कटिंग करना पड़ता है। सरिया तो अखा ही रहता है, लेकिन बीम के ऊपर उसे वो हिसाब से प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि छत का जो लोड है वो बीम के ऊपर ठीक तरह से आ सके। शॉर्ट स्पान में भी और लॉन्ग स्पान में भी जो लोड होता है वो ठीक तरह से आता ही है। इसका यही काम होता है दोस्तों एक्स्ट्रा बार का। आज के वीडियो में एक्स्ट्रा बार के ऊपर यही जानकारी थी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।
यहाँ पर ये मकान मालिक छत का सरिया कैसे बांधा है हम लोगों ने वही चेक करने आए हैं। उसी तरह से ठीक आपका भी अगर मकान का काम चालू है तो आपको भी चेक करना चाहिए दोस्तों।